फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और ये है रेसी। रेसी देखो, हाय गाइस। और आज हम कहाँ जा रहे हैं रेसी? कहाँ जा रहे हैं हम? नानी के गांव। तो आज हम जा रहे हैं मेरे होम टाउन, मेरे मायके। और अभी हम निकल रहे हैं घर से ही, देखिए गाड़ी में बैठे हैं। और अंदर से मैं ब्लॉग स्टार्ट करना भूल गई क्योंकि बहुत जल्दी निकल रहे हैं, 6 बजे। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ बने रहिए। और ये बाय गाइस, बने रहिए। अभी तो हमारा पूरा ब्लॉग बनेगा ना अभी से बाय। और ये है नेगी जी। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। और धूप निकल गई, धूप तो आजकल जल्दी निकल जाती है 5:30-6 बजे। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे कैसे होता है, कितना जाम लगा है आज। कोरदार में मिलेगा वैसे तो नहीं मिलना, कोरदार में लगेगा पर। और आज मैंने ये वाली कुर्ती पहनी है चिकन की, ऑफलाइन ही ली है मैंने की। तो कैसे लग रही है बताना। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं कोरदार। आपको बोर्ड दिख रहा होगा कोरदार का, तो मतलब ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हम। और ये देखिए, एंटर कर गए हम कोरदार में। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा सामान लेना था, मेरे पापा की दुकान है पतंजलि की, तो यहाँ से स्टोर है यहाँ कोरदार में, तो यहाँ से हमें सामान लेके जाना है 2-3 पेटी। तो अभी हम ये देखिए सामान लेने के लिए इस गली में घुस रहे हैं। देवी रोड वाली मंदिर वाली गली है ना, जो यहाँ पे एक पतंजलि का छोटा सा स्टोर है, तो यहीं से सप्लाई होता है मेरे पापा की दुकान में सामान, तो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। आज संडे है तो गाड़ियाँ उतनी नहीं मिलती। फ्रेंड्स, फाइनली हम कोरदार पहुँच गए हैं। और यहाँ पे ये देखिए पतंजलि की स्टोर है, यहाँ से ले जाना है हमें सामान। मेरे पापा की पतंजलि की दुकान है, तो उनके यहाँ से सामान जाना है, 2-3 पेटी सामान है। तो हमने सोचा हम जा रहे हैं तो लेते हुए जाएं। और मैं रास्ते में मतलब घर से कुछ बना के लेके आई थी, स्नैक्स वगैरह फ्रूट्स लेके आए थे, वो हमने खा लिए है। और मोबाइल लेने आए थे, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं सामान लेने। आज संडे है तो दुकान अभी बंद है, तो पापा ने फ़ोन किया है, अंकल जी दुकान खोल रहे हैं और फिर लेंगे हम सामान और चलेंगे यहाँ से आगे। नाश्ता करके नहीं आए थे घर से, चाय पी के आए थे बस। और मैं चाय बना के भी लेके आई हूँ, दूध बना के लेके आई हूँ। तो सोच रही हूँ आगे से कहीं होटल से खाना पैक कर लेंगे। और आगे बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे बैठ के चीड़ के पेड़ आते हैं ना, और बहुत ही ठंडा इलाका है, अच्छी जगह है, तो वहाँ पर बैठ के हम खाना खाएँगे। और क्या बोलते हैं, हरिद्वार में हमको थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया था, तो आधे घंटे हम वहीं फंस गए थे। रेसी सो गया था, अभी अभी उठ रहा है ना रेसी, थोड़ा सा सो गया था। कोरदार पहुंच गए ना, कैसा लग रहा है आपको? ठीक। अच्छा लग रहा है। तो अभी हम खाना पैक कराएंगे और खाएंगे आगे जंगल वाले इलाके में जाके, और फिर वहाँ पे आप लोगों के साथ दिखाएंगे। और क्या हुआ, आते टाइम मैंने सोचा था कि मैं चूड़ा पहन के जाऊँगी आधा आधा, और ठीक रहता है, मतलब पूरे जितने दिन रहूँगी उतने दिन पहन के रखूँगी। और कांच की चूड़ी टूटने का डर रहता है। तो क्या हुआ कि मेरा लॉकर जहाँ मेरी चूड़ियाँ रहती हैं वो लॉक ही खराब हो गया, वो घूमने जा रहा है, वो फ्री हो गया, खुल ही नहीं रहा था। तो अभी मैं देखती हूँ कहीं पे मुझे शॉप मिलेगी, तो लेंगे वहाँ से, चूड़ियाँ लूँगी अपने लिए। और मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? फ्रेंड्स, अभी हमने रख लिया है सामान, स्टोर खुल गया है पतंजलि का, वो देखिए। और सामान हमने रख लिया है, गाड़ी फुल हो गई, गाड़ी की डिक्की भी फुल हो गई है, पीछे वाली सीट भी पूरी फुल हो गई है, एक भी आदमी की बैठने की जगह नहीं है, 3 है हम सिर्फ पूरी गाड़ी में। और बाकी सामान भरा पड़ा है बहुत ज़्यादा। अब हमको आगे जाके नाश्ता पैक करवाना है, और देखती हूँ कोई मेरे को शॉप मिलेगी तो। और रेसी है अपने फ़ोन में बिजी, नींद पूरी हो गई है उसकी, और गर्मी बहुत हो रही है क्योंकि गाड़ी अभी बंद हो रखी है और एसी भी बंद हो रखा है। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपको।
तो फ्रेंड्स हम कूड़दान से बाहर निकल रहे हैं अब, और यहाँ हमें कहीं भी होटल नहीं मिला, खाना पैक नहीं करवा पाए। स्वीट्स की दुकानें खुली है, बाकी दुकानें भी बंद हैं क्योंकि इतनी जल्दी दुकानें नहीं खुलती है। और पतंजलि की भी दुकानें बंद थी, वो पापा ने एक दिन पहले ही फ़ोन कर लिया था सैटरडे को अंकल जी को, उन्होंने हमारे सामान की पेटियाँ पैक करके रखी थी और बस उन्होंने दुकान खोल के हमारी गाड़ी में पेटियाँ लोड करवाई। तो एक आदमी था वो सामान को पेटियों को गाड़ी तक रख के चला गया था। और ये देखिए बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ पे, और ये देखिए यहीं पे हम बैठे हैं खाना खाने के लिए। लेकिन क्या बताऊँ फ्रेंड्स, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, आगे मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, और कल मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। उसका रीज़न ये है कि मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, और वो देखिए हमारी टीवी ख़राब हो रखी, इसलिए ये पुरानी वाली टीवी लगा रखी है। ऐसे बहुत लोगों के घर में टीवी होगी, तो हमने दो तीन दिन से वैसे टीवी चलाई नहीं है, और मेरे को आज दूसरा दिन है यहाँ। और मैंने चूल्हे में रोटी भी बनाई, और रोटी भी खाई हमने, और आज नाश्ता भी कर लिया। मेरे हस्बैंड जा रखे हैं मार्केट किसी काम से, और क्या हुआ कि मैं ब्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई कि हमने कूड़दान से थोड़ा सा आगे आके खाना पैक कराया था, और खाना खाने के लिए हम जहाँ पे बैठे थे वहाँ पे मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग भी शूट करूँगी और रील्स वगैरह बनाऊँगी। लेकिन जैसे ही मैंने खाना खाया, दो बाइट मैंने लिया और मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया। इतना ज़्यादा तेज़ दर्द होने लग गया कि मैंने इनको बोला कि आप लोग खाना खा लीजिए बाहर पर बैठ के, और मेरे लिए गाड़ी ऑन करके एसी चला दीजिए, और मैं गाड़ी में जाके सो गई। तो लेट गई मतलब, तो जब मैं लेटी तो मेरे चप्पल वहीं छूट गए। सैंडल मेरे बहुत कॉस्टली थे और फर्स्ट डे पहने थे मैंने, तो हमको 6 किलोमीटर फिर दोबारा रिटर्न जाना पड़ा, और 6 और 6 12 किलोमीटर हमको मतलब आने जाने में लग गया। तो बहुत ज़्यादा देर हो गई और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा आगे और भी ख़राब हो गई। मेरे को उल्टी होने लगी, पेट में दर्द होने लगा, तो बड़ी मुश्किल से हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद भी मैं नहाई क्योंकि उल्टी से बहुत हाल बुरे हो रखे थे, और उसके बाद मैं सीधा सो गई। तो सोने के बाद मैं रात को उठी थी तो रात हो गई थी, और फिर अभी मॉर्निंग में मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो फ्रेंड्स उसके लिए सॉरी। और आज है ये नेक्स्ट डे, हो सकता है कल हम कहीं घूमने जाएं। और ये मैंने बड़ा वाला मंगलसूत्र भी पहन रखा है और छोटा वाला भी पहन रखा है, ये मैंने निकाल रखा था, अभी मैंने डाला है ये। और कल मेरे रास्ते में बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, इसलिए मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए फिर से कहती हूँ सॉरी। और फ्रेंड्स मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि अभी भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और घर की हालत अभी ऐसी ही हो रखी है, आपको पता ही है यहाँ काम करने वाला कोई है नहीं। तो चलिए मैं थोड़ा बहुत रेस्ट कर लेती हूँ फिर से, उसके बाद देखेंगे क्या करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ फिर से अपनी जर्नी को शेयर करूँगी। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी।